हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम खरगोश की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे जब से खरगोश का जन्म होता है और जब तक वो अपनी ओल्ड एज में नहीं पहुंच जाता इसके साथ ही हम जानेंगे कि खरगोश की एज के बढ़ने के साथ साथ क्या क्या परेशानियाँ खरगोश में आती जाती हैं सारा सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि खरगोश को कौन सी एज में ट्रेंड करना सबसे ज़्यादा सही रहता है खरगोश की ऐसी कौन सी एज होती है जिसमें खरगोश बहुत ही ईजीली ट्रेंड हो जाते हैं सारा सब कुछ जानने के लिए प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को अगर स्किप करके देखते हैं तो कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको अपने खरगोश के लिए डेली न्यू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं खरगोश की एज वाज केयर कैसे करें और क्या क्या परेशानियाँ आपके खरगोश को एज के अकॉर्डिंग हो सकती हैं एक दिन से लेकर फोर वीक्स की एज खरगोश के जन्म के समय उसकी आँखें और कान बंद होते हैं उनकी बॉडी पर नाजुक सी पतली सी स्किन होती है और इस समय वो टोटली अपने माँ के दूध पर डिपेंड होते हैं एक से दो हफ्ते के बीच में इनकी आँखें ओपन हो जाती हैं और इनकी बॉडी पर फर भी दो वीक में ही आ जाता है थ्री वीक से ये अपनी माँ के साथ साथ हे वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हैं थ्री वीक्स के बीच में ही ये पानी पीना भी स्टार्ट कर देते हैं इस समय रैबिट बेबीज़ के लिए अल्फ़ाल्फ़ा ग्रास सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है इस समय खरगोश के बच्चों को पैलेट्स बिल्कुल भी ना खिलाएं घास वगैरह लेने के साथ साथ बेबी रैबिट अपने माँ का दूध भी इस समय पी रहे होते हैं इस समय खरगोश की जो एज होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक एज होती है इस समय खरगोश के बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है अगर जरा सी लापरवाही हो जाए तो खरगोश के बच्चों की जान चली जाती है इस समय खरगोश के बच्चों को मौसम की मार से बचाकर रखें चूहे और चीटियों से भी खरगोश के बच्चों को बचाकर रखें क्योंकि इस समय बच्चे इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि चूहे और चीटियाँ खरगोश के बच्चों को मार सकते हैं फोर से सिक्स वीक्स की एज फोर से सिक्स वीक्स ओल्ड रैबिट पूरी तरह अवेयर हो जाते हैं अपने आसपास के एरिए को लेकर उनकी बॉडी इस समय फुली कवर हो जाती है फर से वो पूरी तरह पानी पीना और घास खाना सीख जाते हैं इस समय खरगोश के बच्चों को लीफी बेजिस अल्फा अल्फा ग्रास फ्रूट्स का एक पीस डेली और अच्छी क्वालिटी के पैलेट्स खिला सकते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास में भरपूर मात्रा में फाइबर और कैल्शियम पाया जाता है और चूंकि रैबिट बेबीज इस समय ग्रोइंग एज में होते हैं इसलिए बेबी बनीस को कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है कम से कम सिक्स वीक्स तक आपको अपने बेबी रैबिट को माँ का दूध जरूर पिलाना है बेबी बनीस के एयर भी इसी एज में ग्रो करते हैं जब भी रैबिट अडॉप्ट करें सिक्स वीक्स के बाद ही अडॉप्ट करें छः महीने से छोटा बच्चा कभी भी अडॉप्ट ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि छः महीने से छोटा बच्चा अगर आप वो अडॉप्ट करते हैं तो वो बच पाए यानी कि सर्वाइव कर पाए छः मंथ से लेकर एक साल की एज सिक्स मंथ का रैबिट मेच्योर होने लगता है उसके हारमोन्स बदलने लगते हैं इस समय खरगोश को अपने साथी खरगोश की ज़रूरत होती है छ महीने से रैबिट बच्चे देने लायक हो जाते हैं इस समय रैबिट का जो बिहेवियर होता है वो पूरी तरह बदल जाता है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है अपनी टेरिटरी के लिए दूसरे खरगोशों से फाइट कर सकता है इस समय खरगोश हर तरह की घास खा सकते हैं जैसे तिमोथी ग्रास दुर्बा ग्रास अल्फाल्फ़ा ग्रास औरचिड ग्रास ओट ग्रास जो भी ग्रास ईजली आपको मिल जाती है वो ग्रास आप अपने खरगोश को जरूर खिलाएं एट्टी परसेंट है टेन परसेंट वेजि फाइव परसेंट फ्रूट्स एज ए ट्रीट फाइव परसेंट पैलेट्स एंड अनलिमिटेड वॉटर ये फॉलो एंड एकदम हेल्दी डाइट है एक अडल्ट रेबिट की आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका रेबिट एकदम हेल्दी रहेगा खरगोश की ये जो एज होती है इस एज में आप अपने खरगोश को ट्रेंड कर सकते हैं इस समय खरगोश एकदम परफेक्ट होता है ट्रेंड करने के लिए सिक्स मंथ की एज ऐसी एज, एज होती है जिसमें खरगोश बहुत ही ईजिली ट्रेंड हो जाते हैं एक से लेकर तीन साल की एज इस समय खरगोश पूरी तरह यंग होते हैं उनकी बॉडी पार्ट्स पूरी तरह ग्रो हो जाते हैं इस समय खरगोश बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बिंकी जूमी करना इस समय खरगोशों में कॉमन होता है इस समय आपको अपने खरगोश को पूरा फ्रीडम देना चाहिए क्योंकि खरगोश जितना उछल कूद करेगा उतना ही एक्टिव रहेगा और जितना आपके खरगोश को फ्रीडम मिलेगा उतना ही वो आपसे बॉन्ड होगा एक साल का होते ही अपने खरगोश को न्यूट्रड या इस पर जरूर करा लें यह सर्जरी रैबिट में कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि आपका रैबिट एकदम हेल्दी रहे ढेर सारे खरगोशों से आपका घर ना भरे और वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहे तो इस सर्जरी के बाद खरगोश बच्चों को जन्म नहीं देते हैं और उनकी एज भी तीन चार साल बढ़ जाती है इस एज में आपके खरगोश में च्यो करने की आदत पड़ जाएगी वो आपके घर के फर्नीचर और बायर्स को कुतर सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि एक साल का होने के बाद ही खरगोश घर के सामान को कुतरे यानी कि उनमें चो करने की आदत आए खरगोश में चो करने की आदत छः सात महीने से ही आने लगती है क्योंकि यह खरगोश में नेचुरल होता है चो करके खरगोश अपने दांतों को मेंटेन करते हैं अगर आपके पास खरगोश है तो प्लीज़ अपने खरगोश को बिजली के बायर्स वगैरह से बचा कर रखें इस समय अगर आपका रैबिट सिंगल है यानी कि आप सिंगल रैबिट रखते हैं तो आपके खरगोश को आपके साथ की बहुत ज़्यादा नीड होगी सो अपने खरगोश को पूरे दिन में तीन चार घंटे जरूर दें तीन से छः साल की एज ये रैबिट की मिडल एज होती है इस एज में रैबिट थोड़ा लेजी हो जाता है इस एज में रैबिट मोस्टली लेटना और सोना ज़्यादा पसंद करते हैं बिंकी और जूमी करना बहुत कम कर देते हैं कुछ रैबिट्स में इस एज में आकर हेल्थ ईशूज आने लगते हैं इस समय आपको अपने रैबिट को वेट डॉक्टर के पास ले जाने की बहुत जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ सकती है इस एज में आकर खरगोश पहले से ज़्यादा अपने ऑनर पर ट्रस्ट करने लगते हैं अपने ऑनर के लिए उनका प्यार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है लास्ट में है खरगोश की सीनियर एज यानी कि सेवन इयर्स ओल्ड एंड अवब ये रैबिट की सीनियर एज होती है इस एज में रैबिट बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं इस एज में आकर खरगोश का वेट भी लूज हो जाता है साथ ही उनकी बॉडी पर ग्रे कलर का फर ग्रो करने लगता है इस एज में आकर खरगोश बहुत ज़्यादा कम खाना खाते हैं उछल कूद भी करना बिल्कुल बंद कर देते हैं इस समय खरगोश अपनी ग्रूमिंग भी बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं इस समय आपके रैबिट को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस समय आपको रैबिट की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस एज में रैबिट रेबिट लिटरटेंट होने के बावजूद भी कहीं भी इधर उधर सूसुपोटी कर सकते हैं इसके साथ ही इस एज में आकर खरगोश के दांत बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है आपको ध्यान रखना होगा टाइम टाइम पर आपको अपने खरगोश के दांतों को चेक करना पड़ेगा कि कहीं खरगोश के दांत बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गए हैं क्योंकि इस समय खरगोश इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं इसलिए अपने दांतों को वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं इस समय खरगोश को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने खरगोश को बार बार वेट डॉक्टर के पास ले जाना भी पड़ सकता है क्योंकि इस एज में खरगोश को बहुत ज़्यादा हेल्थ शूज होने लगते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो में बस इतना ही वीडियो में जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है वो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में